तेरी जिम्मेदारी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती पिछली बार क्या हुआ था, शो को बहुत प्यार मिला था, बहुत लोगों ने देखा और उसकी वजह से आई थिंक जो टैलेंट इस बार आया है बहुत मतलब थोड़ा सा रिडिक्यूलस है। इतने मंझे हुए कलाकार हैं, इतने अच्छे गायक हैं जो यू नो इट फील्स लाइक एन ऑनर। मतलब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये बच्चे इस शो पे हैं, इस मंच पे हैं और आई थिंक ऑनेस्टली यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, जो पिछली बार भी जो टैलेंट्स निकले थे वो कमाल के थे, इस बार जो टैलेंट्स निकलेंगे वो पूरी तरह से संगीत की दुनिया में अपना इफेक्ट दिखाएंगे। आप देखिए 5-7 सालों में आप देखेंगे ये सारे नाम जो हैं ये आपको याद रहेंगे, मार्क माय वर्ड्स। मेरा फर्स्ट टाइम था जजिंग अ रियलिटी शो एंड आई थिंक आई मस्ट से दैट इससे ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म नहीं होता मेरे लिए। थैंक्स टू द लवली टीम दैट आई हैड विद मी, with Vishal Dadlani, Salim Merchant, and now Sonakshi is going to be on the show. I think a fantastic talent is manch par pahunchna aasan nahi hota, and these kids have proved that they are supremely talented yahan tak pahunchne ke liye, and I'm looking forward to be a part of this show. Maine singing par to judge nahi kar sakti, but ek aam aadmi ke taur par wahan par baith kar, who likes music, who appreciates music, jise nachne ka gaane ka shauk hai, I'll be someone who encourages them aur bahut sari masti karenge, hai na? These guys have decided. मस्ती करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? But मैं यहाँ पे I have to interrupt. I'm really sorry. और मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले सीजन में सोनाक्षी बतौर गेस्ट आई थी शो पर और उन्होंने मतलब हमने बहुत आर्म ट्विस्टिंग की, बहुत फोर्स किया इनको और उन्होंने एक गाना गाया था और तब हमको आई एम सॉरी इट्स ट्रू, सोनाक्षी की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, संगीत भी जानती हैं, आप लोग जरा होशियार रहना, ये जो बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, सारा सब मैं इस शो पे इसलिए आया ताकि मैं कुछ सीख सकूं। मेरा बहुत मन था जब बचपन से, एक बार एक्चुअली मैं एक किस्सा सुना देती हूँ, मुझे सिंगिंग का बहुत कीड़ा है बचपन से एंड मैंने मॉम को बोला मम्मा सीखना है, तो एक शी गॉट वन सर, एक सर आ गए हारमोनियम लेके, बड़ा एक मतलब रियाज व्याज कराया एक दिन का पूरा, सारे ग म प ध नी सा इतना कराया, ओके इतना कराया और दूसरे दिन वो आए नहीं वापस तो मेरी जो सिंगिंग सीखने की इच्छा थी वो कभी पूरी नहीं हो पाई, तो आई एम होपिंग कि इस शो पर बच्चों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड ऑफ कोर्स पीपल लाइक शालमली, विशाल एंड सलीम विल बी देयर एज वेल, तो मैं ठान लिया मैं सिंगिंग सीख के ही जाऊंगी यहाँ से। What according to you is the best part of this show? The kids, the talent that they showcase over here, I think it's a wonderful platform for each and every child on this show to kind of
you know, show the world what they're all about. And the kids are definitely the best part of the show. For me, music is something that completely changes my mood. It can uplift my mood whenever I'm feeling low. It just transports you to another zone. So let's just say it's something that takes you to a world where, you know, you can't really go in reality. Music is very, very important to me as an actor as well. For our films, there's no Hindi cinema without music. And we've got some amazing singers, amazing musicians, music directors, everybody. I think music is a very, very integral part of my life as well. We're doing a film called Akira, where Sonakshi is the heroine, okay? And I promise you, she's going to sing in that film.